अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टुडे वी शैल स्टडी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। असाज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। ऐ वो जो डाइजेशन थे तो इन ह्यूमन बीइंग गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जरिए थे तो या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उनके चेहरे में और एलिमेंट्री केनाल उनके चेहरे में और अच्छो तो उनके साथ रिलेटेड जिके ये समझो तो डाइजेशन में स्टेप्स आए इन ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन जो एक लोग स्केच छाया तो फूड किए तो प्रोसेस थे कितनी उनकी एलिमिनेशन थे आखिर में जो एक्सक्रीट आउट थी तो वने एक केरन स्टेज में वो ग्रास करे तो अच्छो तो उनके वन बाय वन एक्सप्लेन करें। पहला ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जगह स्टेज आप वहाँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टेज आए तो पहले डाइजेशन, डाइजेशन चाहे इन्हें समझो तो पत्थर जो एक रो ढेर आ उन पत्थर के ऐसा मजूर बुराई का उनके कुटे करे सन्नड़ो ये समझो सन्नड़ो सफा जलन में उनके ब्रेक कर का माना वडो बोर्ड पत्थर जो जो वडो ढेर आए उनके सन्नड़ जलन में कन्वर्ट कर का यो बिल्कुल किसी में जो ब्रेक डाउन ना आप लार्जर मॉलिक्यूल एंड सिंपलर वन। सिमिलरली द प्रोसेस बाय व्हिच लार्ज फूड मॉलिक्यूल इज broken down into simple molecules by enzymes. When a large food molecule say, when the nundran simpler molecules may break down the by the action of enzymes, je hote asa yaar ke se dekho pathar ke dher aun pathar ke nundran zarar mein bhangi jha kare chalo kahe kayo mazuran kayo hete bhangi jha ke gayi एंजाइम्स के एंजाइम्स आए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है वे इन समझो द लार्जर मॉलिक्यूल्स के सिंपलर वन में कन्वर्ट करने हेल्प आकर डाइजेशन सिंपली ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इन द सिंपलर वंस इसका डाइजेशन और स्टेप्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड एलिमेंट्री के नाम है जो ह्यूमन बॉडी एलिमेंट्री के नाल माउथ का शुरू थे तो एनस थे खत्म तो थे असा इन एलिमेंट्री के नाल चंदा थे या गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक चंदा थे या डाइजेस्टिव ट्रैक चंदा थे तो इन अब केड़ा स्टेप से फूड के तो प्रोसेस थे द पहले इनजेस्टन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग और फीडिंग असा खातो आ उन जो गिर वात में दो से इन के सा पहले स्टेप इनजेस्टन चंदा थे ॾिसो न हिकिड़ो गिरो असां खयो हुजे असां हिकिड़ो लुकमो खयो हुजे वात में विधो थिए त इन प्रोसेस खे असां चवंदासीं इनजेस्टन द प्रोसेस ऑफ फीडिंग द प्रोसेस ऑफ ईटिंग खे असां छा चवंदासीं इनजेस्टन। शेगर आहे डाइजेशन उहो एक्सप्लेन करे आयासीं ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस। हाणे ॿिनि क़िस्मनि जो डाइजेशन थींदो आहे मैकेनिकल डाइजेशन ऐं केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जरे असां इन से फूड खाधो आहे उन जो गिरह वात में विधोसीं वात में विझण खां पोइ ॾंद असांजे हीअ जेका ओरल कैविटी आहे उन में ॾंद प्रेजेंट आहिनि उहे ॾंद इन खे फिज़िकली ब्रेक कंदा फूड मॉलिक्यूल्स खे फिज़िकली उन जी भंजड़ा कंदा उहे ॾंद कहिड़ा आहिनि इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर चई क़िस्म जा ॾंद आहिनि उहे फिज़िकली ब्रेक कनि असां उनखे छा चवंदासीं मैकेनिकल डाइजेशन। ऐं जॾहिं मैकेनिकल डाइजेशन थी वञे असांजे माउथ में सेलिवरी ग्लैंड्स उहे प्रोड्यूस कंदा आहिनि सीक्रेट कंदा आहिनि सेलेवा त उते ई वरी उहे सीक्रेट्स न सर्टेन केमिकल्स कंदा आहिनि त उहे छा था कनि वरी केमिकली ब्रेक था कनि त उहो किथां शुरू थो थिए केमिकल त इसोफेगस में गुजरंदो आहे स्टमक में गैस्ट्रिक जूसिस आहिनि उते बि केमिकल डाइजेशन थिए थो। स्मॉल इंटेस्टाइन में हार्मोन्स आहिनि उते बि इंजाइम्स आहिनि उते बि केमिकल डाइजेशन थिए थो ऐं उतां
फूड एब्सॉर्ब ते तो पहला लेवल ना मजे तो त ये केमिकल डाइजेशन थे तो उना का पाए एब्सॉर्प्शन ह्यूमन बॉडी शेयर्स टेक अप और एब्सॉर्ब सिंपल मॉलिक्यूल सच ए अमीनो एसिड फैटी एसिड शुगर हरे फूड मॉलिक्यूल्स के एब्सॉर्ब करना वो जने उन जी ब्रेक डाउन थी ने ब्रेक अप थी दो इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस रॉ मटेरियल में त उन के ह्यूमन बॉडी सेल्स एब्सॉर्ब करना अच्छा उन ही शायद ना एब्सॉर्ब है आई उन का एक्सक्रीशन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जेके वेस्ट बचला वे थ्रू द एनस एक्सक्रीट आउट थी ना असा उन स्टेप के एक्सक्रीशन चला आई डाइजेशन ये सब जो ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन का ब मेन फायदा है माने प्ले टू एसेंशियल रोल्स इन ह्यूमन बीइंग पहले असारे बॉडी के ग्रोथ जिला ग्रोथ माने जो काशे थे सिंथेसाइज थे एनाबॉलिक प्रोसेस के जरिए द पहले फूड वो सिंथेटिक मटेरियल्स जेके रॉ मटेरियल्स आइन बिल्डिंग ब्लॉक्स आइन या फैटी एसिड आ अमाइनो एसिड्स आए एंड शुगर आए उहा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दो डाइजेशन खादो तो जीनियर असानी ग्रोथ ते नवा नवा ये समझो तो ऑर्गन्स सिंथेसाइज कर सेकंड मेन फंक्शन आए फूड के डाइजेशन तो एनर्जी मिले थे एनर्जी क्या है इज द कैपेसिटी टू डू वर्क कम कर दी सलाय त उहा भी खादे जे जरिए मिलंदी जे करे खादो सा प्रॉपरली न खाईंदा दे त असा प्रॉपरली वर्क न करे सकंदा दे छो जो असा में कैपेसिटी न हुंदी टू डू वर्क हाँ ये जो ई जो एलिमेंट्स ही केनाल आए या जे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक ता जो डाइजेस्टिव ट्रैक ता जो तो न एक्सप्लेन कयो एन के वन बाय वन अगते लेक्चर्स में तवा के बुधाईंदा दे उन के डिफाइन करना से एक्सप्लेन करना आणि एलिमेंट्स के नाला या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट माउथ या ओवर ओरल कैविटी का शुरू होते अच्छे एनस से आणि ना में जे के हिस्सा है पार्ट्स है पार्टिसिपेट करता तो पहले माउथ और ओरल कैविटी जिते मैकेनिकल डाइजेशन थे तो ए उन का को केमिकल डाइजेशन थे तो या सेलिवरी ग्लैंड्स और सेलिवा प्रोड्यूस आकर कोई खातो जो असा जो ग्रह आए बोलस दी फॉर्म इन इता फेरेक्स इते का मीडी आए उन्हें के सा फेरेक्स चलना दे उता के राश करे ही ट्यूब देखे सा ये सब जो इसो फेगस था जो इता गुदर दो करे ही दिया जाए स्टमक स्टमक हम खादो उते टू खान फोर अवर्स बखा चार कला के हिते उन्हें दी डाइजेशन थे दी गैस्ट्रिक जूसेस आए वे उन्हें के डाइजेस्ट करना उता गुजरी करे वर्सेमा इंटेस्ट आई हुई स्मॉल इंटेस्टाइन में ये समझो द एंजाइम्स आए जब पेप्सिन हार्मोन्स आए एंजाइम्स आए कोई खाद्य की भिन्नता करना उसे एब्सॉर्ब थे तो खादो आई एब्सॉर्ब चढ़ जाओ पहला लेवल ला दे तो ते ये माउथ आ फेरेक्स ईसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ही लार्ज इंटेस्टाइन जेको विड्थ में मोकरो आए पर लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन कांडो आ वो लार्ज इंटेस्टाइन अच्छी तरह वरी ही रेक्टम आए जाते वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स स्टोर थंदा एंड स्टोर थंदा आपो ही हिता एनस के जरिए एक्सक्रीट आउट थी थन त ये सब जो एलिमेंट्स के नाल में जे के हिस्सो वटन ता केड़ा केड़ा पार्ट है माउथ ओरल कैविटी फेरेंक्स आ ईसोफेगस आ स्टमक आ स्मॉल इंटेस्टाइन आ लार्ज इंटेस्टाइन आ रेक्टम आ एन असा दीज आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री के ना पर ये असा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ना पड़ो ये शायद डाइजेस्टिव सिस्टम तो इन अ सिस्टम में कुछ भी अभी ग्लैंड्स आए जिनके पार्टिसिपेट था कर जे पैनक्रियास आए लब लब पोषण सिंधिया में जो जिनके हार्मोन इंसुलिन ग्लाइकोजन रिलीज था कर सीक्रेट करता एंड उनकी ओरिजिनेशन किता हिता स्मॉल इंटेस्टाइन में डेवलप होते एंड पैनक्रियास में ये सब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले तो करे ही आए गाल ब्लेडर ये शायद गाल ब्लेडर ये जो रेड में आए
यो इन लिवर जे पुछे पासे ना आए ही पेनक्रियास दे स्टमक दे पुछे पासे ना आए पर ही मां आलो ड्रा करे वाले जे ता समझी सको ही उन जे पुछे पासे ना आए ए ही गाल ग्लैंडर खास कर लिवर सीक्रेट तवा बाइल वो बाइल हते गाल ग्लैंडर से तो पते ने स्टोर थे ए को स्टोर थी करे हेडे ये समझो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ पिगमेंट्स आए कुछ विटामिन आए उनन में ही भजरा जिला हेल्प तो करे ए लिवर जिके जिगर जिगर सा जगाए भाई ये समझो द मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आए ए ही भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले तो करे ही लिवर आए जो बाइल आए वो भी रोल प्ले करे तो त ही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आए हन जानी जेके पार्ट्स आए इन स्टेट में मूड रख रहे हैं और इन्हें के अगते लिए वन बाय वन अच्छा पढ़ना था थोड़ा ने जो ओवरव्यू तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम छा है पहला डाइजेशन छाला तो सिंथेसाइज थी सकन जिया सादा असा के बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करो तो जिया साम जे बॉडी में एनाबॉलिक रिएक्शंस दे एनर्जी प्रोवाइड करो स्टेप्स के आए पहला इंजेशन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग डाइजेशन आए एब्सॉर्प्शन आए एंड एक्सक्रीशन आए एलिमेंट्स के नाल किथा शुरू हो दे माउथ आ फेरेंस आ ईसोफेगस जो ट्यूब आए स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एनस पर ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आए ना या भी इकडा ग्लैंड्स रोल प्ले था के जब पैनक्रियास आए लव लव लिवर आए जेरो गाल ग्लैंडर पित्त ये भी रोल प्ले था के तो ही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो डायग्राम आए इसके चाहे जेके अच्छा एक्सप्लेन कयो से मैं समझा रही लेक्चर तवा के कंप्लीटली समझ में आछी रहे हो हेड वीडियो के लाइक कयो शेयर कयो एंड मुझे चैनल के सब्सक्राइब कयो थैंक यू।